हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे पीसी के साथ प्रॉपर है। जैसे कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, मेरे लैन केबल इससे कनेक्टेड है मेरे पीसी से और इंटरनेट एक्सेस उसमें दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए कनेक्टेड दिखा रहा है। और मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन करूँगा और इसमें मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, google.com सर्च करता हूँ, लेकिन इसमें नो इंटरनेट करके आ रहा है। चेकिंग द प्रॉक्सी एड्रेस रनिंग विंडो नेटवर्क डायग्नोस्ट। तो हम पे ये जो आ रहा है कि या तो प्रॉक्सी एड्रेस को चेक करने के लिए बोल रहा है या फिर विंडोज नेटवर्क को डायग्नोस्ट करने के लिए बोल रहा है। अभी देखिए मैंने yahoo.com किया, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, सेम एरर आ रहा है। तो इसको हम आज कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी हम कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करके चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी मौजूदा फायरफॉक्स ओपन किया है, हमने गूगल क्रोम में चेक किया था तो उसमें हमारा कोई भी साइट ओपन नहीं हो रही थी। इसमें हम चेक करते हैं इसमें क्या एरर आता है वो देखते हैं। द प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शंस। तो यहाँ पे भी हमारा जो है कोई भी ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है। हमारा जो है इंटरनेट वर्किंग है बट हमारी कोई भी साइट ओपन नहीं हो रही है। अब हम क्या बोलते हैं, एक बारी माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हैं, उसमें भी चेक कर लेते हैं एक बारी कि इसमें हमारा रन करता है नहीं करता है कोई भी साइट। इसमें देखते हैं, कनेक्ट टू द इंटरनेट, यहाँ पे भी जो है हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको क्लोज करते हैं और हम जो है इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, कंप्यूटर की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे जो है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करेंगे और इसमें आप लेफ्ट साइड में देखिए सबसे नीचे प्रॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे यूज ए प्रॉक्सी सर्वर, ये हमारा जो है इनेबल हो रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एड्रेस 127.0.0.1 और पोर्ट नेम हमारा 8080, ये हमारा इनेबल है। तो हमें इसको रिक्वायर्ड है कि हम इसको डिसेबल कर दें। इसको हम डिसेबल कर देंगे तो हमारी जो भी साइटें हैं वो सारी इसमें रन करना शुरू कर देंगे। अभी मैंने डिसेबल कर दिया, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये एक छोटी सी सेटिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर जिसको इसके बारे में पता होगा तो इसको डिसेबल करके वो अपना इंटरनेट जो है कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकता है। अगर जिसको पता नहीं होगा तो इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है। तो इसको कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है इसमें। देखिए अभी जो भी साइटें हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी, अभी कोई हमारे प्रॉक्सी लगी नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे योर क्लॉक इज बिहाइंड, अभी हमें जो है यहाँ पे क्लॉक ठीक करने की आवश्यकता है। डेट एंड टाइम में जाएंगे, यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिक को डिसेबल करना है और चेंज कर देना है। अभी आप देखिए डेट टाइम जो है चेंज हो चुका है, रिफ्रेश करेंगे। देखिए सेट
वर्किंग हो चुकी है, amazon.in ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप प्रॉक्सी की सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।